आपको ले चलेंगे उत्तर प्रदेश की विधानसभा, जहां पर इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं। अपना वर्ष 2022-23 का बजट आज विधानसभा में प्रस्तुत किया है। यह बजट प्रदेश की 25 करोड़ जनता की जनाकांक्षाओं की भावनाओं के अनुरूप, प्रदेश के समग्र विकास को ध्यान में रख करके गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, श्रमिक और समाज के प्रत्येक तबके को ध्यान में रख करके बनाया गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में लोक कल्याण संकल्प पत्र की भावनाओं के अनुरूप देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य उत्तर प्रदेश उन जन आकांक्षाओं की पूर्ति कर सके और समग्र विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक हो सके, इस दिशा से उत्तर प्रदेश सरकार का यह बजट 5 वर्षों का एक विजन भी है, जो प्रदेश के सर्वसमावेशी समग्र विकास के साथ साथ एक उज्ज्वल भविष्य की रूपरेखा भी तैयार करेगा। मित्रों, हम लोगों ने 2022 का विधानसभा का चुनाव के पूर्व एक लोक कल्याण पत्र जारी किया था। ये लोक कल्याण संकल्प पत्र में कुल 130 घोषणाएं हुई थी। इन 130 जो संकल्प हमारे लोक कल्याण संकल्प पत्र में थे, उसमें से 97 संकल्पों को हम लोगों ने इस बजट में, पहले ही बजट में स्थान दिया है और इसके लिए हम लोगों ने 54,883 करोड़ रुपए का भी प्रावधान किया है। जो संकल्प 130 संकल्प थे, उनमें से कुछ संकल्प पहले से चले आ रहे थे, कुछ नए थे, उनमें से 97 संकल्पों को आज यहां पर इस बजट में स्थान दिया गया है, जिसमें 44 संकल्प नए हैं। इनमें जो प्रमुख घोषणाएं हैं आज के बजट में, वह मुख्य रूप से उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो लाभार्थी परिवार हैं उनको वर्ष में 2 रसोई गैस के सिलेंडर उपलब्ध करवाने की घोषणा, और वह बजट में उन्हें स्थान दिया गया है।